नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश सिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि मैंने ज्योतिष ज्ञान के नाम से एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें फ्रॉम बेसिक, वेरी बेसिक से और इसको वेरी एडवांस तक एस्ट्रोलॉजी को मैं इसके अंदर पढ़ रहा हूँ। और मेरा ये मानना है कि अगर आप ये पूरी सीरीज देख लेंगे तो बहुत एक अच्छे सफल ज्योतिष बन सकेंगे। तो आगे समय वेस्ट न करते हुए, पिछली बार मैंने पढ़ाया था आपको सिक्स्थ और सेवंथ भाव, आज हम चलते हैं आठवें भाव की ओर कि आठवें भाव से और नवे भाव से हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी भाव बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं होता। आठवें भाव को देखे लोग सोचते हैं कि ये भाव में तो दशा आ गई है, तो इस भाव में तो आदमी का बिल्कुल प्रॉब्लम प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं है। आठवें भाव से भी कुछ अच्छी चीजें देखी जाती है और कुछ नेगेटिव चीजें भी देखी जाती है। आठवां भाव मेन, अगर एक वर्ड में कहें तो मृत्यु कारक कष्ट का भाव होता है, आयु का भाव होता है। अगर एक शब्द में बोले तो आठवां भाव मृत्यु कारक कष्ट का भाव होता है, आयु का भाव होता है, यानी लगन का आठवां मृत्यु कारक कष्ट का भाव होता है। इसका मतलब किसी भाव से भी उसका आठवां भाव जो होगा उसका कष्ट का भाव, उसका कष्ट शो करेगा। इसके अलावा क्या क्या देखते हैं? अपमान देखते हैं, आदमी का अपमान, उसकी ससुराल को देखा जाता है इस भाव से, उसकी पैतृक संपत्ति देखी जाती है इस भाव से कि उसके पास कितनी पैतृक संपत्ति है, क्या नहीं मिलेगी, जो उसके फादर या उसके पूर्वजों की है वो पैतृक संपत्ति उसी देखी जाती है। मृत्यु भी इसी भाव से देखी जाती है। अनजाने में धन मिलना, अचानक लाभ या हानि होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अचानक लाभ या अचानक कई बार हानि हो जाती है तो वो भी आठवें भाव से ही देखा जाता है। वैज्ञानिक आविष्कार, जितनी भी इन्वेंशंस होती हैं, चाहे वो आर्किमिडीज ने की हो, चाहे न्यूटन ने की हो, चाहे आइंस्टाइन ने की हो, वो सारी इन्वेंशंस जो हैं वो भी आठवें भाव से ही देखी जाती है। रिसर्च, पूरी रिसर्च जो होती है वो सब आठवें भाव से देखी जाती है। पीड़ा, मैंने बताया कि हर तरह का दर्द, हर तरह की पीड़ा, कलह, वो सब आठवें भाव से देखी जाती है। जितनी प्रकार की भी गुप्त विद्याएं, ऑकल्ट साइंस, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो आपकी टैरो रीडिंग हो, चाहे वो आपकी न्यूमरोलॉजी हो, किसी प्रकार की तांत्रिक वाली कोई जादू शक्ति हो, सब तरह की जो गुप्त विद्याएं होती हैं वो सारी आठवें भाव से ही देखी जाती है। जहां भी गुप्त लग गया समझो आठवें भाव से देखी जाए। समुद्र पार यात्रा, पहले लोग समुद्र से यात्रा करते थे, वो भी आठवें भाव से देखी जाती है। तो ये थी कुछ चीजें जो आठवें भाव से देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें। इसके अलावा तो मैंने जैसा वो पहले बताता हूं मैं हर कि उत्तर कालामृत किताब के अंदर आप पढ़ सकते हैं डिफरेंट भावों से आप क्या देखने और क्या क्या चीज देख सकते हैं। इसके बाद आता है नवा भाव। नवा भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, उससे हम भाग्य देखते हैं। नवा भाव से हम अपना भाग्य देखते हैं कि भाग्य कैसा रहेगा, भाग्य हानि तो नहीं है, भाग्य में उतार चढ़ाव तो नहीं है, वो सब चीजें हम नए भाव से देखते हैं। आदमी की धर्म में रुचि कैसी रहेगी, वो धार्मिक होगा या नहीं होगा, धर्म को मान, धर्म पे चलने वाला होगा या धर्म पे नहीं चलने वाला होगा, वो चीज भी नए भाव से देखी जाती है। पिता, आपके पिता कैसे होंगे, आपका पिता से संबंध कैसा रहेगा, आपका पिता का आपसे कैसा संबंध रहेगा, ये सब बातें भी नवे भाव से देखी जाती है। नेतृत्व, लीडरशिप जिसे बोलते हैं, वो भी नवे भाव से देखा जाता है। विदेश यात्रा, फॉरेन जर्नी, सातवें भाव से भी देखते हैं, नाइन्थ हाउस से भी देखते हैं और ट्वेल्थ हाउस से भी देखते हैं। ट्वेल्थ हाउस जब आगे आएगा तो पढ़ाएंगे आपको, लेकिन मान के चलिए कि विदेश यात्राएं भी नवे भाव से देखी जाती है। शारीरिक उन्नति, ये भी आप नवे भाव से देखते हैं। आपके जीजाजी हैं या भाभी हैं या लंबी यात्रा है, ये सब नवे भाव से देखे जाता है। आपकी उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा में देखिए फर्क है, यहाँ पे कौन सी उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा आपकी देखी जाती है चौथे भाव से, उच्च शिक्षा आपकी देखी जाती है पांचवें भाव से। यहाँ पे जो उच्च शिक्षा लिखी हुई है ये वो शिक्षा है जो आप बिना खर्चा किए ग्रहण करते हैं, जिसमें कि आपको पैसा मिलता है। जैसे आप कोई
सर्विस में हो और आपको किसी ट्रेनिंग पे भेज दिया गया, तो ट्रेनिंग जो दी जा रही है आपको, वो सारी ट्रेनिंग जो है आपकी नोए भाव से देखी जाएगी। आप पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी करते करते भी आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो भी नाइन्थ भाव से देखा जाता है। तो ऐसी शिक्षा, उस शिक्षा जिसमें करते करते आपको पैसे की अर्निंग भी हो, वो शिक्षा आप नए भाव से देखते हैं, मंदिर भी नए भाव से देखा जाता है। तो ये थी कुछ चीजें जो नए भाव से देखते हैं, मोटे मोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद रखिएगा। आशा करता हूँ आपको ये आठवां नौवां भाव दोनों समझ में आया होगा। समझ में आए तो कार्डली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि हमारी अपनी एस्ट्रोलॉजी की एजुकेशन की क्लास चल रही है, ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। कुंडली प्रैक्टिस की क्लास चल रही है, ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।